हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस टेकॉम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने इग्नू का सॉल्व असाइनमेंट शो करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द असाइनमेंट ऑफ LSC05 फिजियोलॉजी। दिस इज वैलिड फ्रॉम 1st जनवरी 2020 टू 31st दिसंबर 2020। क्वेश्चन पेपर ऑफ द असाइनमेंट इज शोन हेयर। दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी पार्ट वन। And this is part 2, plant physiology. And now start the solution of this question paper. Question number 1, define the following terms and give one and animal example for each type. Part 1 ureotelic and part 2 uricotelic. इस क्वेश्चन के आंसर में आपको इन दोनों की डेफिनेशन देनी है और आप एक एनिमल एग्जाम्पल इसका बताना है आपको। क्वेश्चन का बी पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन। सबसे पहले आपको डिफरेंस बताना है पहले स्टेप में ओपन और क्लोज सर्कुलेशन का। सेकंड स्टेप में आपको डिफरेंस बताना है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर का। थर्ड पार्ट में आपको एक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन एंड स्टेरॉयड हार्मोन में डिफरेंस बताना है। ये सभी डिफरेंसेस आपको आंसर में प्रोवाइड किए गए हैं। आंसर में पहले डिफरेंस बताया गया है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
सेकेंड पार्ट में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर में डिफरेंस बताया गया आपको. आंसर के थर्ड पार्ट में पेप्टाइड हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन में डिफरेंस दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड फिगर द कंट्रोल ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ वर्टिब्रेट स्केलेटल मसल बाय कैल्शियम एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स. क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट का डिटेल्ड आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है. आंसर में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है. इस क्वेश्चन में आपसे एक डायग्राम भी पूछा गया है. वो डायग्राम भी इस क्वेश्चन के साथ साथ आंसर में प्रोवाइड किया गया है आपको. ये डायग्राम है इस क्वेश्चन के लिए. ये डायग्राम आपको आंसर में बना के शो करना है. क्वेश्चन का बी पार्ट है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द ट्यूलोस्ट गिल हाउ डज काउंटर करंट फ्लो of blood and water facilitate gas exchange in comparison to concurrent flow. इस क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम प्रोवाइड किया गया है. यही डायग्राम आपको बनाना है और आंसर में एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर थ्री है ए पार्ट डिफाइन द टर्म रेस्पिरेटरी क्वोशेंट. थर्ड क्वेश्चन के ए पार्ट का आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है. क्वेश्चन का बी पार्ट है व्हाट डज इट इंडिकेट इफ आर क्यू इन ह्यूमन इज. फर्स्ट पार्ट है नियर 0.7, सेकंड पार्ट नियर 0.1,
and the third part is between 0.7 to 1.0. ये आपको क्वेश्चन का बताना है कि क्या इंडिकेट करता है आर क्यू आपका, ये डिफरेंट डिफरेंट आर क्यूज दिए गए हो तो आर क्यू क्या इंडिकेट करता है ये आपको एक्सप्लेन करना है आंसर में. क्वेश्चन का सी पार्ट है व्हेन डज आर क्यू एक्सीड मोर देन वन, एक्सप्लेन Why and how this happens? यानी आर क्यू जब वन से एक्स्ट्रा हो जाए, वन से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है और वो क्यों होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है और किस तरह से होता है ये आंसर में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है. क्वेश्चन का डी पार्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रेस साइकिल ऑफ रैट, रैट का स्ट्रेस साइकिल आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है आंसर में, पूरा एक्सप्लेन करके बताना है कि ये क्या होता है और किस तरीके से पूरा इसका प्रोसीजर होता है, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताना है, एक्सप्लेन करना है आंसर में. क्वेश्चन नंबर फोर का ए पार्ट है एक्सप्लेन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम. आपको डायग्राम की हेल्प से आंसर देना है, पूरा आंसर एक्सप्लेन करना है कि ये न्यूरोमस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसका पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेन करना है आंसर में और प्लस में डायग्राम भी आपको बनाकर शो करना है. क्वेश्चन का बी पार्ट है व्हाट डज एन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शो, ड्रॉ एंड कंपेयर द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है इसको आपको ड्रॉ करके पूरा एक्सप्लेन करना है और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में ये किस तरह से डिफरेंट होता है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है आंसर में. क्वेश्चन नंबर फाइव है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के इन पार्ट्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको एक्सप्लेन करना है. कौन कौन से पार्ट्स हैं ये, रीनल, कॉर्पसल्स, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, इन सब का आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन सभी कुछ एक्सप्लेन करके आंसर में प्रोवाइड करना है असाइनमेंट में, ये आपको एक्सप्लेन किया गया है इसमें. इसी तरह से आपको अपने असाइनमेंट में एक्सप्लेन करना है इन सभी पार्ट्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में बताना है. सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स का है डिफाइन द फॉलोइंग, इनको डिफाइन करना है. ए पार्ट है ओवरऑल सेंसेस, बी है वर्नलाइजेशन, सी पार्ट है स्टोमेटल इंडेक्स एंड द डी पार्ट है परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज एंड द ई पार्ट इज सर्केडियन रिदम्स.
इन सभी को आपको डिफाइन करके एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, लिस्ट द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। क्राइटेरिया क्या है मिनरल एलिमेंट्स का, एसेंशियलिटी का, ये आपको प्लांट्स में आपको एक्सप्लेन करना है, आंसर में आपको एक्सप्लेन करके बताना है। क्वेश्चन का बी पार्ट है, डिस्क्राइब द फोटो सिस्टम 1 एंड 2 वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस NADPH विद प्रॉपर डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको फोटो सिस्टम 1 एंड 2 डिस्क्राइब करना है, पूरा एक्सप्लेन करना है। डायग्राम भी इसको आप इसमें आपको बनाकर शो करना है आंसर में। ये इस तरह का डायग्राम आपको शो किया जा रहा है, इसी टाइप से आपको भी डायग्राम असाइनमेंट में बनाकर शो करना है और थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है इस सारे प्रोसेस को। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, मेक अ कंपैरेटिव चार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑल द प्लांट्स हार्मोन। प्लांट्स के जितने भी हार्मोन्स हैं उनका आपको एक चार्ट टाइप बनाना है और सबके फंक्शंस कि वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, कौन सा हार्मोन किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करके आपको अपने आंसर में शो करना है। इस तरह से ये सभी हार्मोन्स के फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं आपको आंसर में। इसी तरह से आपको भी असाइनमेंट में पॉइंट वाइज पूरा सब कुछ सारे हार्मोन्स के फंक्शंस आपको बताने हैं कि प्लांट हार्मोन्स किस तरह से वर्क करते हैं, कौन से हार्मोन का क्या काम है, ये सभी कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, लिस्ट द एप्लीकेशंस ऑफ हार्मोन्स। अब ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट में आपको बताया था कि कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है, अब इनके एप्लीकेशंस बताने हैं, किस किस जगह पे ये यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है इन हार्मोन्स का, ये प्लांट्स में आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोक्रोम एंड वेरियस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज कंट्रोल्ड बाय इट। सर मैं आपको फोटोक्रोम की प्रॉपर्टीज़ बतानी है और उसके ज़रिए कौन कौन सी बायोलॉजिकल फंक्शंस कंट्रोल किए जाते हैं, रिस्पॉन्सेज कंट्रोल किए जाते हैं, आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, डिस्कस वेरियस स्ट्रेटजीज अक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू अडैप्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस को अडैप्ट करने के लिए, स्ट्रेस में अडैप्टेशन के लिए प्लांट्स द्वारा
कौन कौन से स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं प्लांट्स में, किस तरह से स्ट्रेस को कंट्रोल किया जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है आंसर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट पर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है CAM प्लांट्स पर भी आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बायोलॉजिकल क्लॉक्स पे भी आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, और फोर्थ पार्ट में मंच प्रेशर फ्लो मॉडल पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। यह आपका LSC05 असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। आपको यह असाइनमेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।